कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा से अलवर की ओर बढ़ चुकी है। मेरे पीछे आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, उनके साथ राजस्थान के जो हैं तमाम वरिष्ठ नेता इस समय मौजूद हैं और ये यात्रा जो है आगे राजस्थान से हरियाणा की ओर जाएगी। कन्याकुमारी ऐसे ये 7 सितंबर को शुरू हुई थी, 100 दिन जो है इस यात्रा के दौसा में पूरे हुए और इस समय आप देख सकते हैं कि एक दिन के विश्राम के बाद जो है यात्रा आज जो है फिर से रिज्यूम हुई है। यहाँ पर मेरे पीछे आपको राहुल गांधी उनके साथ तमाम वरिष्ठ राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता वो दिखेंगे, सचिन पायलट भी है, इंटरेस्टिंग भी जो पूरा का पूरा यहाँ पर रूट लिया गया है वो मेन रोड को हाईवेज को छोड़ करके जो है इंटीरियर्स को लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ से अभी ट्रेन भी निकल रही है और पीछे आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जो है तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से नेता हैं वो लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी हैं, 100 दिन की जो है इस यात्रा के दौसा में पूरे हुए थे, शक्ति प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी की ओर से और आज दोपहर को जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ राहुल गांधी एक बहुत बड़ी रैली को यहीं अलवर में संबोधित करने जा रहे हैं। चाइना के मुद्दे पे ऊपर जो है राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमला जो है सरकार पर बोला, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं वो राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जो है इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष आज भी बार बार यही कह रहा है कि उनको एक फुल फ्लेज डिबेट जो है इंडो चाइना जो मसला है उसके ऊपर चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका अगर कहा जाए कि एक तरीके से दिल्ली की ओर उन्होंने कूच कर दिया है। पीछे मेरे आपको राहुल गांधी दिखेंगे, उनके साथ जितने राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग दिखेंगे और इसके अलावा जो है अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थान में जो है ये यात्रा पहुंची थी लगभग 5 सितंबर को और अब जो ये यात्रा है हरियाणा की ओर बड़ी चली जा रही है और उसके बाद दिल्ली पहुंचेगी। क्या मैं पसंद मदन के साथ में सुप्रभा भारद्वाज, आज तक अलवर।